नमस्कार, अध्याय 4 चल रहा है हमारा, केमिकल बॉन्ड एंड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक बंध एवं रासायनिक समीकरण। और इसमें हमने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखी जाती है। एक तरफ हम क्या लिखते हैं, क्रियाकारक, और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, उत्पादों को लिखा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आगे हमने आगे उस पर पढ़ा था कि कुछ रासायनिक समीकरण की कमियां पड़ी थी कि उसमें एक तो किसी जो क्रियाकारक है उसकी भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान नहीं होता है कि उसकी भौतिक अवस्था क्या है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, उस क्रियाकारक के, उस पदार्थ के सामने कोष्ठक में उसकी भौतिक अवस्था सॉलिड, लिक्विड या गैस, एस, एल और जी, इन तीनों में से कोई भी एक अक्षर लेकर के लिख देते हैं। ठीक है, दूसरी बात थी कि उसमें दाब, ताप या उसमें कुछ और विशेष परिस्थिति है उसके बारे में रासायनिक अभिक्रिया जानकारी नहीं मिल रही थी, तो उस समस्या को दूर करने के लिए जो तीर का निशान लगाते हैं, तीर के निशान की दिशा क्या होती है, क्रियाकारकों से उत्पाद की तरफ। तो जो तीर का निशान लगाया जाता है उस तीर के निशान के ऊपर, तीर के निशान के ऊपर उसकी कोई विशेष ताप, दाब या और कोई विशेष परिस्थिति है वो वहां पर लिख दी जाती है। ठीक है, ये हो गया था। अब तीसरा बिंदु ये था कि जो ऊष्मा है या अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा क्षेपी है उसके बारे में वहां पर कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया कि उसमें अलग से ऊष्मा के बारे में लिखा जा रहा था। ठीक है, यदि ऊष्मा निकल रही है तो प्लस लगा करके, और ऊष्मा अगर ग्रहण की जा रही है तो माइनस लगा करके वहां पर हम ऊष्मा लिख रहे थे। ठीक है, तो ऊष्मा वाला मैं आपको एक बार और पुनः बता देता हूं कि ऊष्मा को हम किस तरह से हम लिख रहे थे। यदि मान लो वहां पर अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी हो रही है अभिक्रिया, तो माइनस, ऊष्मा क्षेपी है तो प्लस, और अगर ऊष्मा शोषी है तो वहां पर माइनस लगा करके हम लिख रहे थे। जैसे मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए, ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अभी देखो थोड़ी देर बाद हम यही पढ़ेंगे कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो वहां पर आएगा ये ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें ऊष्मा अवशोषित की जाएगी, ऊष्मा ग्रहण की जाएगी उस अभिक्रिया में क्रियाकारकों के द्वारा, क्योंकि क्रियाकारकों के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो ऊर्जा बैरियर को क्रॉस करके और उत्पाद में परिवर्तित हो सके। तो उसके लिए क्या होगा, ये अब इनको ऊष्मा देनी पड़ेगी, ये उत्पाद में परिवर्तित तभी होंगे। और ऊष्मा क्षेपी में क्या होगा कि क्रियाकारक जब क्रिया करेंगे तो उत्पाद बनेगा, और उस उत्पाद के साथ ही ऊष्मा उत्सर्जित होगी, तो वो कहलाएंगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी की देखिए, एक अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं H2 प्लस I2। यहां पूरी और चीजें भी लिखनी पड़ेंगी कि क्या गैस, सॉलिड, लिक्विड क्या क्या है। तो H2 गैस है प्लस I2 गैस, दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, और अभिक्रिया करके यहां बन रहा है HI और इसके दो अणु, HI के दो अणु यहां पर निर्मित हो रहे हैं। ठीक है, यह भी कैसा है, गैस, और यहां पर माइनस 53.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी काम में आ रही है। ठीक है, यहां पर 53.1 किलो जूल एनर्जी काम में आएगी। तो देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा, इधर तो लिखे मैंने क्रियाकारक उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ, विशेष परिस्थितियां दाब की परिस्थिति रहेगी, उच्च दाब रखना पड़ेगा। यहां पर क्या है कि क्रियाकारकों को उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखा, यहां मैंने लिखा उत्पाद, और साथ में माइनस 53.1 या 53.6 जूल भी आपको किसी किसी मिल जाएगा तो मैं 6 भी कर लिख सकते हैं। देखो यहां पर क्या है कि 53.6 किलो जूल एनर्जी यहां पर मैंने माइनस में लिखी है। माइनस में लिखने का मतलब है कि ये अभिक्रिया ऊष्मा ग्रहण करेगी, माइनस में लिखने का मतलब ऊष्मा शोषी, इसका मतलब यहां पर हमें
ताप देना पड़ेगा इसको, यहां पर अगर मैं लिखूं ताप तो ये हमें देना पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा, कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 53.6 किलो जूल एनर्जी हमें इसको देनी पड़ेगी। ये तो है ऊष्मा शोषी के लिए। अब ऊष्माक्षेपी के लिए अगर बात करी जाए तो ऊष्माक्षेपी के लिए अगर मैं अभिक्रिया लिखूं, SO2 प्लस O2 ठीक है इजिकल टू SO3, ये तो हो गई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। SO2 प्लस O2 इजिकल टू SO3, यहां पर भी भौतिक अवस्था है। SO2 क्या है, गैस, भौतिक अवस्था है, मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूं क्योंकि यहां थोड़ी जगह की कमी रह गई, गैस। और SO3 भी क्या है, गैस। यहां पर क्या होगा कि ऊष्मा उत्सर्जित होगी और ऊष्मा कितनी निकलेगी, 694.6 किलो जूल प्लस 694.6 किलो जूल, इतनी ऊर्जा यहां पर रिलीज होगी। तो यह ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी, यहां पर मैंने प्लस में लिखा है, यहां पर तो ऊर्जा निकलेगी। तो ये बस थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कहीं ऊर्जा निकलती है तो ऊष्मा शोषी है, अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो उसको ऊष्मा को माइनस में लिख देंगे, और अभिक्रिया अगर ऊष्मा क्षेपी है तो प्लस लगा करके उस ऊष्मा के मान को यहां लिख दिया जाएगा। ये तो ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय के लिए मैंने आपको पहले बताया था, अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो उत्क्रमणीय के लिए इस तरह का निशान लगाते हैं हम, ऐसे और ऐसे, ठीक है, इसका मतलब अभिक्रिया दोनों दिशाओं में गतिशील है। इसको इस तरह से भी लगाया जाता है कई बार, इस तरह से, तो इस ऐसे भी लगा देते हैं और ऐसे भी लगा देते हैं, इसका मतलब तो क्या है कि दोनों दिशाओं में समान वेग से गतिशील है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, और वहां दोनों दिशाओं में चल रही है। तो इस तरह का चिन्ह लगा करके हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में लिख देंगे, चिन्ह तीर लगाएंगे और तीर लगा करके उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिख दी जाएगी, ठीक है। अब आती है मुख्य, जो अगला बिंदु हमारा इंपॉर्टेंट, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, ये तो आप कर लेंगे। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जहां से आपको थोड़ा थोड़ा उसको लिखना होगा। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखिए, रासायनिक अभिक्रिया है, वो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, ठीक। अब इसमें आधार क्या रहेंगे, अलग अलग, जैसे मान लो सबसे पहले हमने ले लिया, उसका आधार है कि कोई भी दो छोटे छोटे अणु मिल रहे हैं और मिलकर के किसी बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो अलग प्रकार की अभिक्रिया हो गई। या फिर एक बड़ा अणु है और वो छोटे छोटे अणुओं में ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो ये अलग प्रकार की अभिक्रिया हो गई। या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक अणु का विस्थापन हो रहा है या फिर दोनों का ही विस्थापन हो रहा है, तो वो अलग प्रकार की अभिक्रिया हो गई। ऊष्मा के आधार पर अगर हम बांटें तो विघटन अभिक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है, एक तो ऊष्मा से विघटन हो रहा है, एक सूर्य के ताप से विघटन हो रहा है, या फिर किसी और कारक से विघटन हो रहा है, तो इसके आधार पर अभिक्रिया अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, सबसे पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं संयुग्मन अभिक्रियाएं। देखिए इसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु, दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो दो या अधिक छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, एक बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं, दो या दो से छोटे अणु
आपस में मिल करके। उदाहरण देखा जाए, जैसे Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। साथ साथ हम बैलेंसिंग का काम भी यहाँ पर सीखते रहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। देखिए, लिख लिया आपने, लिखने के बाद उदाहरण लिखिए Mg प्लस O2। देखो, दो छोटे छोटे अणु हैं मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। संतुलन के लिए देखिए, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर है दो और मैग्नीशियम की संख्या है यहाँ पर एक। यहाँ Mg भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है। Mg तो संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो से गुना करना पड़ेगा। यहाँ दो से गुना करते ही यहाँ हम अकेले को गुना नहीं कर सकते, हमें चाहे यहाँ दो लगा दूँ तो वो नहीं कर सकते हम। तो हम सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सूत्र ऐसा कैसा रहेगा, MgO है तो MgO ही रहेगा। हम सिर्फ उसके आगे कोई संख्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके फैक्टर, इसको क्या है, बराबर करने के लिए। अब इतना करते ही इसको भी दो से गुना हो गया, इसका मतलब ये भी दो हो गया और ये भी दो हो गया। इधर ऑक्सीजन दो है और Mg एक है, इसको क्या कर दूं मैं, दो से गुना कर दूं तो यहाँ दो लग जाएगा, ये संतुलित हो गया। आसान था, दोनों जगह मैंने दो दो लगाया और इसको बैलेंस्ड कर दिया। नंबर दो है अपघटनी अभिक्रिया। अपघटनी अभिक्रिया या फिर अपन करें विघटन अभिक्रियाएं। इसमें क्या होगा कि एक बड़ा अणु होगा, और इसको वियोजन भी कहा जा सकता है, एक बड़ा अणु होगा और वो दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाएगा, ठीक है। तो एक बड़ा अणु दो या अधिक, इनको आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि दसवीं क्लास में आपको ये बहुत काम आएंगे, वहां रटने पड़ेंगे अलग अलग। यहाँ शॉर्ट में आप पहले से ही आपको फाउंडेशन तैयार हो जाएगा तो आप वहां इनको आसानी से याद कर पाएंगे। एक बड़ा अणु दो या अधिक छोटे अणुओं में टूट जाता है। अब अपने आप तो टूटेगा नहीं, कुछ ना कुछ हमें उसको परिस्थिति देनी पड़ेगी। हो सकता है उसको ताप देना पड़े, या फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़े, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करनी पड़े, या फिर सूर्य के प्रकाश से हो जाए वो। तो इसके आधार पर अपघटनीय अभिक्रियाएं मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। अपघटनीय अणुओं में टूट जाता है, अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, मुख्यतः तीन प्रकार की। हम इसको तीन भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहला विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें अपघटन किससे होगा, विद्युत से। तो इसमें ज्यादा लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत से अपघटन की क्रिया संपन्न होती है वह विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने उदाहरण लिया, इसका उदाहरण ले रहा लिख रहा हूं मैं सीधा ही। यहां पर हम लिखेंगे विद्युत धारा, ठीक है, और ये Na प्लस प्लस Cl माइनस में विभक्त हो जाएगा, अपने आयंस में टूट जाएगा NaCl, ठीक है। तो विद्युत अपघटन कहलाएगा, विद्युत धारा से हो रहा है इसलिए विद्युत अपघटनी अभिक्रिया हो गई, ठीक है। दूसरे अगर मैं बात करूं तो ऊष्मीय अपघटन, ये इसमें किससे होगा, ऊष्मा से। अगर हम इसको ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो ऊष्मीय अपघटनी अभिक्रिया। देखो बहुत अच्छी तरह से आपको इनको बांट दिया गया है
अपघटनीय अभिक्रिया, पहली विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, दूसरी ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, ऊष्मा दी जाएगी और ऊष्मा देकर के उस पदार्थ को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाएगा। जैसे उदाहरण देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म किया मतलब इसको ऊष्मा दी, ये ऊष्मा का चिन्ह होता है, ये बढ़ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड में, ये हो गई ऊष्मीय अपघटनीय। परिभाषा लिखने में कोई समस्या नहीं, वह अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें अपघटन ऊष्मा के द्वारा संपन्न होता है ऊष्मीय अपघटन अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाशीय अपघटन, थर्ड है प्रकाशीय अपघटन, ये किससे होगा, सूर्य के प्रकाश से होने लग जाएगा प्रकाशीय अपघटनी अभिक्रिया, ये सूर्य के प्रकाश से हो जाएगा। उदाहरण देखिए इसका, HBr सूर्य का प्रकाश, इसको अल्ट्रावायलेट रे एच न्यू से भी लिख दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए H2 प्लस Br2 में टूट जाएगा, ये लो ये प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया, वह अपघटनीय अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है या सूर्य के प्रकाश से किसी एक अणु का अपघटन छोटे छोटे अणुओं में हो जाता है वो प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। ये तीनों प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया नोट कर लें आप इनको फास्ट से, ये बुक में नहीं है इसलिए जल्दी से कर लें, थोड़ा सा बुक में बहुत शॉर्ट में है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड, थर्ड देख रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया, तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि कोई एक अभिकारक किसी दूसरे को उसके जो अणु है उसमें से विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो नंबर तीन है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ज्यादा परिभाषा आप नहीं लिख रहे हैं कि एक अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक को उसके अणु से विस्थापित कर देगा, मैं सीधा यहां उदाहरण लिख रहा हूं। उदाहरण देखिए आप कि Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं जिससे आपको सीधा सीधा समझ में एक बार में आ जाएगी चीज। Zn प्लस CuSO4, जब इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, देखिए यहां बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, ये देख लीजिए अब आप, मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इसको इस कलर्ड वाले मार्करों से लिख दिया है। अब समझ में आ गया होगा आपको किसने किसको विस्थापित किया है और कहां से विस्थापित किया है। देखिए जिंक ने क्या किया है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया, यहां पर आ गया, यहां दिख रहा है आपको ये आ गया और कॉपर अलग हो गया है। तो यह विस्थापन अभिक्रिया, इसकी जगह पर खुद आ गया और खुद ने उसको वहां से विस्थापित कर दिया है, ठीक है। एक अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं, उसको आपको लिखना है और वो लिखने के लिए आपको समय दे दिया जाएगा थोड़ा सा, जिससे कि आप उसको पूरा कर सकें, ठीक है। और उसमें पहचान भी करनी है कि अभिक्रिया कौन सी है, ठीक है। ZnSO4 प्लस Fe के साथ लिख देता हूं, Fe प्लस ZnSO4, क्या ये पहली बात तो अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, चलो आगे की बातें हैं, इनको इसको रहने देता हूं मैं। आप तो इसके लिखिए H2SO4 प्लस Zn बराबर क्या बनेगा, ठीक है।
ये अभिक्रिया है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया आपको करवानी है। यहाँ पर H2SO4 लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ जिंक मेटल है, जिंक धातु है। ये अम्ल क्षार जब पढ़े थे वहां मैंने बता दिया था आपको कि इसमें क्या उत्पाद बनेगा, तो आपको इनके उत्पाद बनाने हैं, और उस उत्पाद बनाने के लिए आपको थोड़ा सा समय दे देते हैं हम, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, जब तक आप इसको करके तैयार रखना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखिए ये अभिक्रिया लिखनी थी आपको, H2SO4 प्लस ZN इज इक्वल टू क्या बनेगा। देखिए ये उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का, यहाँ पर भी विस्थापन होगा। विस्थापन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। और हमने ये पढ़ा हुआ भी है कि धातु जिंक क्या है, ये धातु धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, तो दे रही है हाइड्रोजन गैस, और विस्थापन अभिक्रिया भी यहाँ पर हो रही है, तो इसको नोट कर लें आप। अगला है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में देखिए कॉपर सल्फेट प्लस NaOH इज इक्वल टू कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट, यह अभिक्रिया यहाँ पर लिखी दिख रही है आपको। द्विविस्थापन इसमें क्या होगा, यहाँ तो कोई भी एक यहाँ पर अभिकारक है, ये इस यौगिक से दूसरे को विस्थापित कर रहा है, एक का विस्थापन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों में से किसी ना किसी का विस्थापन एक दूसरे के द्वारा हो रहा है। देखिए सल्फेट लगा हुआ है यहाँ पर, आपको दिख रहा है कि जो सल्फेट है ये सल्फेट कॉपर के साथ लगा हुआ है, दिख रहा है आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया में, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जो सल्फेट है इस सल्फेट की किसके साथ था, उधर कॉपर के साथ, लेकिन इधर किसके साथ आ गया, ये सोडियम के साथ आ गया। यहां सोडियम के साथ OH था जो चला गया कॉपर के साथ, तो एक दूसरे का विस्थापन हो गया, इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, ये पीपीटी जो यहां बनते हैं वही होती है ये अभिक्रियाएं, प्रेसिपिटेट। तो ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया, परिभाषा आपको नहीं बताई जा रही है, परिभाषा आप देख लेंगे घर पे। अगला है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय, देखो उत्क्रमणीय में क्या होगा कि वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, दोनों दिशाओं का मतलब क्रियाकारक से उत्पाद की ओर और उत्पाद से क्रियाकारकों की ओर। ठीक है, इसको संतुलित कर लेंगे आप, संतुलित इसको आप कर लेंगे, यहां पर आप क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, यहां टू लगाते ये बैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्क्रमणीय, ये दोनों दिशाओं में चलेंगी। उदाहरण देखिए N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH
थ्री, ये एक उत्क्रमीय अभिक्रिया का उदाहरण है, अमोनिया का निर्माण है एबर विधि से, तो इसमें एन टू प्लस थ्री एच टू इक्वल टू टू एन एच थ्री। इसका मतलब ये अभिक्रिया इधर से इधर भी जाएगी और इधर से इधर भी जाएगी, चलती रहेगी दोनों सामने। देखो हमने, मैं यहाँ भौतिक अवस्था है सबके साथ नहीं लिख रहा हूँ, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने कंप्लीट अभिक्रिया को लिखा है। यहाँ गैस गैस गैस, सॉलिड लिक्विड एन ओ एच, कॉपर का हाइड्रोक्साइड सॉलिड और सोडियम सल्फेट सॉलिड, इस तरह से हमने पूरी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर पांच आती है, नंबर छह पे आती है मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। देखिए कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो बहुत कम समय में पूरी हो जाती हैं, उन्हें बोलते हैं हम तीव्र अभिक्रिया, और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो बहुत धीरे 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 चलती रहती हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट में लिख देता हूं, मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं, मंद एवं तीव्र, देखो नाम से पता चल रहा है अभिक्रिया, ठीक है। देखिए मंद अभिक्रिया का उदाहरण, देखिए मंद अभिक्रिया का उदाहरण जंग लगना, जंग लगने की अभिक्रिया जो क्रिया है बहुत धीरे 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 चलती रहती है, तो ये मंद अभिक्रिया का उदाहरण है, स्लो रिएक्शन का उदाहरण। तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण में क्या होगा, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे और लवण और जल बनाएंगे, और ये बहुत ही फास्ट अभिक्रिया है, जल्दी संपन्न होती है, तो इसके बारे में भी हम अगला पढ़ लेते हैं। ये उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है ये तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है, और अलग से एक नाम भी है इसका, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नंबर सात है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होगा कि अम्ल अभिक्रिया करेगा क्षार से, क्या बनेगा, लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा, यहां ऊष्मा भी निकलेगी, इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण भी है, और देखो विस्फोट, जो परमाणु विस्फोट होता है वो भी तीव्र अभिक्रिया है, ठीक है, तो वो भी एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। यहां पर उदासीनीकरण अभिक्रिया में ये ऊष्मा भी निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपी का भी उदाहरण है और तीव्र का भी उदाहरण है, और इसका खुद का नाम भी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल देखो मैंने जैसे ले लिया HCl प्लस, ये अभिक्रिया पहले मैं लिखा चुका हूं आपको, NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2, इसलिए बहुत फास्ट फास्ट चल रहा है यहां पर, क्योंकि पहले हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, ठीक है। उदासीनीकरण के बाद ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी हम पहले पढ़ चुके हैं, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है वो ऊष्माक्षेपी, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जाती है वो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है, ठीक है। तो ये तो अभिक्रियाओं के बारे में रहा। अब हमने बीच में मैंने कहा था कि मैं एक बार रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं उस पर और हम बात करेंगे, तो कुछ प्रश्न है जो हमारी पाठ्य पुस्तक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, संतुलित कैसे की जाती है उसके कुछ उदाहरण ले रहे हैं, करना तो आपको पहले ही बताया था, अभिक्रिया को संतुलित करना। देखिए इसको ध्यान समझ लेना, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न आपको दसवीं के बोर्ड में भी मिलता है कई बार, तो आप अभी सीख लेंगे, अगले साल और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ढंग से करना आ जाएगा और आपके दो नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। देखिए उदाहरण मैं ले रहा हूं कि KClO3 उदाहरण है फर्स्ट, KClO3 इसको गर्म किया, ये बदला KCl प्लस O2 में, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल गई। अब हमें इसको संतुलित करना है, संतुलन के लिए क्या करना है, सिंपल तरीका है, मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। हिट एंड ट्रायल विधि में आपको, हमें क्या करना है कि इसको छोड़ दें, आप इसको नहीं देखें, आप बिल्कुल छोड़ दें इसको, जिन्हें लिख लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा वो बाद में वीडियो से लिख लेंगे, आपको पता है यूट्यूब पे मिलता ही नहीं, आपने अड़ोसी पड़ोसी से लिख लेंगे, और ज्यादा ही दिक्कत है तो आपके साथ टीचर है ही। देखिए पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, ये इस तीर के इस साइड और ये सीड के इस साइड, ये बाई तरफ और ये दाई तरफ। अब बात है कि इसको संतुलित कैसे करें, तो पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि एक एक तरफ जो इनके यहां पर जो आपको दिख रहे हैं, जैसे पोटेशियम का परमाणु है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, इनको हम लिख लेंगे यहां पर एक एक करके और इधर लिख लेंगे, और दोनों तरफ दोनों की संख्या मैच कर लेंगे, सिंपल तरीका यही है। देखिए पोटेशियम एक, क्लोरीन एक और ऑक्सीजन तीन,
ये है इधर स्थिति। अब इधर की स्थिति ये होती, उधर की स्थिति चेक करते हैं। पोटेशियम एक, क्लोरीन एक और ऑक्सीजन दो, उधर की स्थिति ये है। दोनों तरफ बराबर करना है हमें, तो बस इधर पोटेशियम इक्वल, क्लोरीन इक्वल, लेकिन ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। अब एक साइड तीन है और एक साइड दो है, इसको कैसे बराबर करें? तो इसको इक्वल करने का तरीका होता है कि दोनों अपोजिट संख्याओं से एक तरफ गुना, एक दूसरी तरफ गुना कर दें। उधर तो दो से गुना कर दें इसको, तो ये लो मैंने कर दिया, कितना हो गया? छ। इधर तीन से गुना कर दो इसको, कितना हो गया? छ। ये करना पड़ेगा हमें, दोनों तरफ छ छ हो गए ना भाई। इधर मैंने इसकी संख्या से उधर गुना कर दिया और उसकी संख्या से इधर गुना कर दिया। मैं गुना करके देखता हूं, मुझे दो से गुना करना है, यहां मैंने इसको दो से गुना कर दिया, और इसको किससे करना है? तीन से गुना करना, तो यहां मैंने तीन से गुना कर दिया। ये तो मैंने हिट कर लिया। अब इसको ट्रायल करेंगे, मतलब इसको चेक करेंगे अब सही है कि नहीं। दो से गुना होते ही इस पूरे को दो से गुना हो चुका है अब, मतलब पूरे का मतलब है कि इस पूरे अणु को इस तरह से दो से गुना हो चुका है, ठीक है। अब देखिए पोटेशियम कितने हो गए, इसको दो से गुना हो गया, तो पोटेशियम हो गए दो। क्लोरीन कितने हो गए, इसको दो से गुना हुआ था, क्लोरीन हो गए दो, और इसको दो से गुना हुआ तो ये हो गए छह, ठीक है। अब इधर देखते हैं, पोटेशियम एक ही है, इसका मतलब दो से गुना करना पड़ेगा, तो इसको मैंने दो से गुना किया, तो इसको दो से गुना हो गया, ये हो गया दो। अब इस यहां दो लगाते ये क्लोरीन से भी गुना हो गया, तो इससे भी दो से गुना हो गया, और ये हो गया दो। चेक करते हैं एक बार और, चेक करते हैं, पोटेशियम दो दो ठीक है, क्लोरीन दो दो ठीक है, ऑक्सीजन दो छह और छह, वाह सही हो गया। बस तो इस तरह से करना है हमें, एक तरफ हम लिख लेंगे संख्याएं और उसके बाद उनको नंबर लिख लिख के और बाद में चेक करते चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारी किताब का ही प्रश्न है, किताब में से मैंने लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है BaCl2 प्लस AgNO3, उदाहरण नंबर दो, BaCl2 प्लस AgNO3, ठीक है। उतारते जाए, मैं प्रश्न लिख रहा हूं जब तक। क्या क्या बनेगा? एक तो बनेगा AgCl प्लस BaNO3 का होल ट्वाइस, BaNO3 का होल ट्वाइस, BaCl2 प्लस AgNO3, AgCl प्लस BaNO3 का। ये तो आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां सारी चीज, जब रासायनिक अभिक्रिया अगर संतुलित करवाएगा ना तो ये सब लिखा हुआ मिलेगा। आपको संतुलित करना है इनकी जो संख्या है उनको दोनों तरफ इक्वल इक्वल करना है, तो वो काम करना है हमें। तो चेक करें, आपको टाइम नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप क्या करेंगे कि अब बुक में दिया हुआ है पीछे एक साइड में, वहां पर आप प्रश्न करेंगे, और कहीं से भी आपको प्रश्न मिलता है उसको आप सॉल्व करेंगे तो वो ठीक रहेगा, या हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हम ही कर लेंगे। देखिए एक एक के लिखना है हमें, बेरियम एक, क्लोरीन दो, एजी एक, मैं डायरेक्ट पूरा NO3 ही लिख रहा हूँ, है ना। हम अलग अलग भी ले सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी उसके अंदर। फिर इसी प्रकार से इधर Ag1Cl1, बेरियम 1 और NO3 2, ये दोनों तरफ की स्थिति ये है। अब देखो इक्वल करना है हमें, तो इक्वल करने के लिए सबसे पहला काम वही मल्टीप्लीकेशन का, इधर क्लोरीन दो हैं, इधर क्लोरीन एक है। वैसे तरीका अलग अलग रहता है, कहीं पहले इनको धातुओं को संतुलित करते हैं, फिर धातुओं का नंबर लिया जाता है, लेकिन आप अपने हिसाब से जैसे जहां से आपको उसको करना इजी लग जाए वहीं से स्टार्ट कर दें, ठीक है। देखिए क्लोरीन दो है, इधर क्लोरीन एक है, मुझे दो करने हैं। दो करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से सीधा दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसको? इसको। ये लो दो से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन भी दो हो गए, इसको भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी कितने हो गए? दो, और ये भी हो गए दो। क्लोरीन को दो से मल्टीप्लाई करते ही Ag यहां पर 2 हो चुका है, ठीक है। अब देखो क्लोरीन दो, लेकिन उधर Ag 2 है और इधर Ag 1 ही है, तो इसको 2 करने के लिए मैं यहां फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई होगा,
और 2 से मल्टीप्लाई होते ही है तो 2 हो गया, लेकिन इसको भी साथ में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कितना हो गया 2। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारा काम यहीं हो गया क्या पूरा। देखो एक बार आप ट्रायल करके देखो इसकी क्या संतुलित हुआ, चेक कर लेते। बेरियम एक एक, ओके। क्लोरीन दो, क्लोरीन दो, क्लोरीन दो, ओके। वाह, जैसा लग रहा है आंसर आने वाला है क्या। एजी दो, एजी दो, वाह। और एनओ थ्री दो, अरे वाह हो गया, तो एक हो गया। इतना आसान काम है, बस आप देखते जाए संख्या लिख लें। और उनको हम संख्याओं का इतना जरूर ध्यान रखें कि आप आगे ही मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये संतुलन इस तरह से हो गया। और मैं एक उदाहरण और ले पाएंगे, अब हम इतना ही हमारे पास टाइम है। देखिए उदाहरण है NaOH प्लस ZN, ये क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया है, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया है। तो यहां पर भी देखिए क्या कंडीशंस आती हैं, यह बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2। देखो कौन सी गैस आ रही है, हाइड्रोजन गैस ही यहां पर निकल रही है और लवण ही बन रहा है। तो कुछ क्षार भी है जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, हम तो देते ही नहीं, हम तो सभी देते हैं, लेकिन कुछ क्षार भी ऐसे हैं जो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। चेक बैलेंसिंग का काम करना है हमें मुख्य रूप से। एक एक संख्या है, ये लास्ट उदाहरण रहेगा। देखिए Na1 ऑक्सीजन एक और हाइड्रोजन एक, ठीक है, और जिंक एक। इधर की संख्या मैंने सारी यहां लिख चुका हूं, इधर देखते हैं Na2 जिंक एक ऑक्सीजन दो और इधर हाइड्रोजन है दो। ये स्थिति है दोनों साइड में। अब संतुलित करने के लिए देखिए सोडियम दो है, ऑक्सीजन दो है, हाइड्रोजन दो है, और इधर सब कितने हैं एक 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 एक, ठीक है। और जिंक तो उधर एक ही है, इधर भी एक, जिंक तो ऐसा लग रहा है कि संतुलित है। देखिए क्या करना पड़ेगा, ये भी दो है, ये भी दो है और ये भी दो है, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, दो से। तो मल्टीप्लाई बाई टू, टू आ गया, टू अपने आप हो जाएगा, एक को ही करना है हमें तो यहां ही करना है। तीनों को अपने आप हो गया और तीनों कितने हो गए, दो 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 दो, वाओ। तो एक बार में हो गया, ये संतुलित हो चुका है, ठीक है। चेक करें, देखिए दो 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 एक, दो 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 एक, ये लो हो गया। तो ये यहां संतुलित हो चुका है, ठीक है। एक उदाहरण और देखिए, CuO प्लस HCl इक्वल टू CuCl2 प्लस H2O, ये एक उदाहरण भी है, इसको भी आप संतुलित कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर इक्वल टू CuCl2 प्लस H2O, ये एक एग्जांपल है जिसकी आप आराम से घर पर कर सकते हैं, आपकी बुक में नहीं है, ये अलग से है थोड़ा सा, तो आप इसको संतुलित कर लेंगे, बहुत आसान है, आराम संतुलित हो जाएगा, समस्या आपको नहीं आएगी। और आपकी बुक के अंदर और भी उदाहरण दे रखे हैं 2-3, उनको भी आप संतुलित कर लें, पीछे पेज नंबर 28 पर दिए हुए हैं, वो आप कर लें। इसके बाद हम अगला चैप्टर हमारा 5 रहेगा, जीवन की अवधारणा, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लासेस से। नमस्कार।